नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो एक ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे किसानों ने यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉलेंट्री सरेंडर और पीएम किसान बेनिफिट, तो ये वाले ऑप्शन पे बहुत सारों ने जानकारी सबमिट कर दी है। इसी की जानकारी आपको देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास कि दोस्तों यहाँ पर जो कमेंट आया था उसी के लिए आपको यहाँ पर जानकारी बता रहे हैं कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं वॉलेंट्री सरेंडर और पीएम किसान बेनिफिट, तो इसमें बहुत सारों ने अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों अप्लाई कर दिया है, लेकिन यहाँ पर यह क्या ऑप्शन है और यहाँ पर अप्लाई कर दिया है तो अब उनको यहाँ पर क्या करना होगा ताकि यहाँ पर उनको योजना का पैसा मिल सके, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं कि यहाँ पर जो ये जानकारी है, ऑप्शन है, आपने जब अप्लाई कर दिया है तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा और यहाँ पर इससे क्या होता है, इसकी डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो माध्यम से देने वाले दोस्तों, वीडियो अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी हर प्रकार की ऐसी नई नई वीडियो, नई नई जानकारी देखने को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते पूरी जानकारी कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो नया ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट्स, ये क्या है इसकी डिटेल में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को आने वाली है। सभी किसानों के लिए खुशखबरी की बात है। ऑफिशियल पोर्टल पर यहाँ पर देख सकते हैं जानकारी दोस्तों, 18वीं इंस्टॉलमेंट पीएम किसान योजना की 5 अक्टूबर को सभी किसानों के बैंक खाते में आने वाली है। 2000 रुपए की राशि सभी को मिलने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों हम मेन टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया गया है वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट्स, ये क्या है, इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पर इसकी जानकारी बताते हैं और इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे कैसे सॉल्यूशन होगा। दोस्तों यहाँ पर जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट, ये वाला ऑप्शन ओपन हो चुका है। जब आपने इसमें अप्लाई किया था तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर यहाँ पर है जो कंडीशन है उसकी यहाँ पर अलाउ किया था आपको। यहाँ पर आपने अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपने जो कैप्चर कोड डाला होगा और फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक किया है, तभी यहाँ पर जो है आपका ये सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट का फॉर्म सबमिट हुआ होगा। दोस्तों यहाँ पर आपने सबमिट करा है, उससे पहले यहाँ पर इसकी कुछ सामान्य जानकारी वो यहाँ पर आप देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो टॉपिक जरूरी है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एपर सरेंडरिंग फ्रॉम द पीएम किसान स्कीम यू विल नॉट बे रिसीव पीएम किसान कैश बेनिफिट। दोस्तों यहाँ पर इसका हिंदी में आपको मतलब भी बताएंगे कैसे इसका क्या होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर अल्सो नॉट बे रजिस्टर अगेन पीएम किसान स्कीम, मतलब यहाँ पर इसका जो क्या होता है दोस्तों वो यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। मतलब यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन दिया गया है लास्ट में कि अगर आप इसमें अप्लाई कर देते हो तो यहाँ पर एक बार रजिस्टर करने के बाद आप पीएम किसान स्कीम में डबल आवेदन नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर और जानकारी के लिए अपन हिंदी में अनुवाद कर दिया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ पर क्या मतलब है। पीएम किसान योजना से सरेंडर करने के बाद आप आगे कोई पीएम किसान नगद लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप पीएम किसान योजना के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको जानकारी समझ में आ गई है। यहाँ पर इसमें जो मेन टॉपिक दिया गया है दोस्तों, जब आपने आवेदन किया है तो आवेदन इसमें करने से पहले आपको यहाँ पर जो है मेन जो इसका टॉपिक है, जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों, वो यहाँ पर आपको पढ़ लेना था, क्योंकि यहाँ पर इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पीएम किसान योजना में आप अगर सरेंडर कर देते हो तो यहाँ पर आपको पीएम किसान योजना का नगद भुगतान, मतलब पैसा नहीं मिलेगा, और उसके बाद आप यहाँ पर पीएम किसान योजना के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर आपने भी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट वाले ऑप्शन पर आकर अपनी जानकारी सबमिट कर दी है तो यहाँ पर आपको भविष्य में कभी भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा और ना ही आप यहाँ पर जो है फिर से आवेदन कर पाओगे, क्योंकि एक बार रिजेक्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर चेतावनी दी गई थी, तो यहाँ पर आपको इसमें सही से पढ़ लेना था, उसके बाद ही यहाँ पर आपको इसमें जानकारी सबमिट करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे परेशान हो रहे थे कि हमने यहाँ पर
सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट पे जानकारी सबमिट कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका कुछ नहीं होने वाला, जब आपने अप्लाई किया था उससे पहले आपको ध्यान रखना था, क्योंकि यहाँ पर जब आपने अप्लाई किया है तो अब यहाँ पर इसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, और यहाँ पर अब आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा। आपको परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने खुद अप्लाई किया है इसीलिए यहाँ पर आपको जो है इसका पैसा नहीं मिलेगा, और भविष्य में आप कभी भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन नहीं कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पर इसी जानकारी देनी थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग परेशान हो रहे थे इसका कुछ सोल्यूशन है। तो दोस्तों इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, आपको पैसा नहीं मिलेगा और ना ही आप यहाँ पर फिर से आवेदन कर पाओगे, क्योंकि इसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई थी, स्पष्ट निम्न बिंदु यहाँ पर रखा गया था, जानकारी दी गई थी, आपको पढ़ लेना था, उसके बाद ही यहाँ पर यह जानकारी सबमिट करनी थी। दोस्तों कैसी लगी जानकारी, कैसा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी हर प्रकार की नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे और हर प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।